और अभी इसका माइलेज कैलकुलेट कर रहे हैं अभी हम। अभी गाड़ी चला हुआ है 162 एवरेज, पता नहीं कैसे दिया था। ये तो मिनी सुपर बाइक है मेरा, फिर भी इतना एवरेज मिल रहा है अभी हमको 150 में। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर यू मोटो ब्लॉग्स। आज का वीडियो थोड़ा स्पेशल रहेगा क्योंकि आज सबसे पहले तो गाड़ी का आज माइलेज टेस्ट करेंगे, तो गाड़ी में फुल टैंक करवा देंगे गाड़ी में, और उसके बाद जाएंगे थोड़ा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। तो सोचे चल, बहुत दिन से सोच रहे थे इसका माइलेज टेस्ट वाला वीडियो लाएंगे, तो बना नहीं पा रहे थे, तो अब आज सोचे कि बना ही लेते हैं इसका माइलेज टेस्ट, कितना माइलेज दे रही है एक लीटर में। तो अभी पहले तो जाएंगे, अभी उसमें फुल टैंकी करवाएंगे, उसके बाद जाएंगे मैथन। मैथन में बर्थडे सेलिब्रेट होगा, उसके बाद आपको वहाँ से आते वक्त फिर से फुल टैंकी करवाएंगे, तो माइलेज पता चल जाएगा कितना, मतलब फुल टैंकी करने के बाद कितना चल रहा है, कितना तेल जला, उसके बाद कितना तेल इसमें लिया। तो चलिए ब्लॉग में कंटिन्यू रहिए, आपको दिखा रहे हैं अभी आगे जाके। तो अभी घर से निकल गए हैं और अभी टाइम हो रहा है 2 बज रहा है। सुबह से ही प्लानिंग था हम लोग का जाने का बर्थडे में, एक्चुअली बर्थडे मेरा ही है, बर्थडे पार हो चुका है, तो 2-3 दिन बाद अभी दोस्तों को पार्टी दे रहे हैं। तो हम सोचे कि चलो पहले इसका माइलेज टेस्ट निकाल लेते हैं, उसके बाद उधर से जाएंगे, तो आज कम से कम 100 किलोमीटर तो गाड़ी चलाना होगा, तभी पता चलेगा कि कितना ब्रेक ले रहा है गाड़ी में। तो अभी देखिए, कुछ दिन पहले मैंने फुल टंकी करवाया था, तो अभी अभी 4 कांटा है लगभग, हाफ लीटर से तो हाफ टंकी से तो ज़्यादा ही इसमें तेल अभी है, फुल टंकी करवा लेंगे। वैसे अभी हम फुल टंकी करवाएं, उसके बाद तभी तेल भरेंगे तो मेरा तो माइलेज पता चल जाएगा, लेकिन आपको नहीं पता चलेगा, तो अभी फिर से सोच रहे हैं कि फुल टंकी करवाएंगे। और अभी विवान लोग आ गया है, और अभी हम लोग गोविंदपुर के पास रुके हुए हैं और शुभम को फ़ोन कर रहे हैं। अभी यहाँ खालसा के पास से निकल रहे हैं और पेट्रोल पंप जा रहे हैं, और गाड़ी में फुल टंकी करवाएंगे, तो अभी गाड़ी में फुल टंकी करवा लेते हैं। कल से ज़्यादा स्थिति तो आज ख़राब है। 0 कीजिए, फुल टंकी कहिए। बहुत हंसी आ रहा है इसको। बल्कि गाड़ी में तेल अभी है ही। अरे वाह, थोड़ा 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 पूरा मत भरो। बस बस। तो 550 स्लिप निकाल दीजिए ना। ऐसे निकाल ली। तो अभी गाड़ी में देखिए फुल टंकी तेल करवा लिए हैं, और आपके सामने ट्रिप को 0 कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये है ट्रिप 2, इसमें हम चलाएँ 311, और इसको अभी हम ट्रिप 2 है देखिए, और इसको हम अभी 0 कर रहे हैं, रीसेट ट्रिप 2 रीसेट कर दिए, और आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं गाड़ी अभी चला हुआ 31,788 31788 इतना चला है गाड़ी। और अभी 100 किलोमीटर चलाने के बाद फिर से फुल टंकी करवाएंगे और पूरा माइलेज एक्यूरेट पता चल जाएगा आपको। तो में कंटिन्यू रहिए, अभी हम लोग जा रहे हैं मैथन डैम, वहाँ से बर्थडे सेलिब्रेट करने करके उसके बाद फिर से रिटर्न आएंगे, तब गाड़ी में फ्यूल डलवाएंगे, तब तक ब्लॉग में कंटिन्यू रहिए। तो अभी यहाँ पेट्रोल पंप से निकल रहे हैं, और शुभम आया था, आया थोड़ा लेट से, तो अभी निकल रहे हैं, अभी सीधे पहुँचेंगे मैथन। लेट हो गया, 3:15 हो गया, घर से 2 बजे निकले थे। अभी हम लोग मैथन मोड़ पहुंच गए हैं, और यहाँ पे खड़ा है लोग, कहाँ घुस के रहे, कहाँ चल रहा है, इधर दुकान पे है, हम तो पहली बार आ रहे हैं। अरे भाई इधर तो फर्स्ट टाइम आ रही, इधर दुकान भी है। अभी देखिए ब्लॉग घर वाला दुर्गापुर से आ गया ये।
पता नहीं था हम, तुम तो बोला सुबह में चल गए थे दुर्गापुर, अभी घर भी जाएंगे रांची। अभी रांची जाएगा? हाँ ट्रेन से जाएंगे, गाड़ी रख देंगे। गाड़ी कहाँ रखिएगा तुम? धनबाद में। तो घर कहाँ जाएगा? छुट्टी हो गया दो चार दिन तो चल जाए। स्टेशन में रखिएगा क्या? सही कर रहा है, स्टेशन में रखिएगा। सही कर रहा, सही कर रहा। ना जोनपुर ले जा। चलो चलो चलो, आज स्प्लेंडर चलाएंगे हम। क्या चलाएंगे? स्प्लेंडर चलाएंगे आज। सामान को दीजिए। ए हे रहा, काफी सालों बाद स्प्लेंडर चलाएंगे आज। और ये रहा मैथन मोड़, काली पहाड़ी ना। हाँ तो ये मैथन मोड़ काली पहाड़ी। वाह मेरा इधर हीरो वाला जूता पहन लिया है। बोल रहे हैं कि वो बोला तुम्हारा पीछे वाला घर रहा। अरे बड़ा लुकट रहा। V4 चलाएंगे। और ये देखिए चला रहा है स्प्लेंडर, और हम लोग R15 V4। अभी एक जगह जा रहे हैं, वहाँ पे नया प्लेस है, वहाँ देख के आ रहे हैं। तो रास्ता क्यों ब्लॉक कर दिया यार? ओह माय गॉड, रास्ता इधर से ब्लॉक है। अब देखते हैं कौन वाला जगह उल है। इधर से एक रास्ता है पीछे होके जाने का। क्या गया तू? अरे नहीं वहाँ एक रास्ता है, ठीक है, पीछे एक प्लेस है, बहुत मस्त है। और अभी हम लोग बर्थडे स्पॉट पर पहुँच गए हैं, और यहाँ सब कोई पहुँच चुका है, और कुछ ही देर में बर्थडे यहाँ स्टार्ट हो जाएगा पार्टी। यहाँ बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर रही है। आइए आइए, हैप्पी बर्थडे टू यू। देख रहे हैं जोर देखिए, जोर हैप्पी बर्थडे मामा, हैप्पी बर्थडे। यहाँ पे जोर देख रहा और अभी हम लोग मैथन डैम से बस बर्थडे केक वगैरह सब कुछ कट कर लिए और यहाँ से निकल रहे हैं। चाय वगैरह पियेंगे, उसके बाद आपको दिखाएंगे कि गाड़ी कितना किलोमीटर चला वो भी दिखाएंगे, क्योंकि माइलेज टेस्ट वाला वीडियो है ये। बर्थडे तो ऐसे सेलिब्रेट हो गया क्योंकि सडन प्लान बना, तो इसलिए अभी हम लोग मैथन से निकल रहे हैं। The next day. तो आज माइलेज टेस्ट का दूसरा दिन है और गाड़ी अभी हम चला चुके हैं 162.8, और ये देखिए ट्रिप टू ही है अभी तक, देखिए ट्रिप टू है और अभी 162.8 किलोमीटर चल चुका है। और इधर देखिए अभी भी फुल फ्यूल, मतलब पूरा कांटा भी फुल ही दिखा रहा है। तो अभी हम जा रहे हैं पेट्रोल पंप जा रहे हैं, इस पर भी फुल टंकी फिर से करवाते हैं और आपको बताते हैं कितना माइलेज निकला मेरा गाड़ी। तो चलिए चलते हैं। सामने है फुल टंकी कीजिए, तो देखिए यहाँ तक कीजिएगा, ठीक है, कट मार देंगे ना इसके ऊपर तक। अभी 3.15 लीटर लिया। अभी आपको माइलेज कैलकुलेट करके बता रहे हैं कि गाड़ी मेरा कितना एवरेज दी। तो अभी मेरा गाड़ी अभी 3.15 लीटर इसमें लिया तेल, और अभी इसका माइलेज कैलकुलेट कर रहे हैं अभी हम। अभी गाड़ी चला हुआ है 163.7 डिवाइड 3.15, तो गाड़ी का एवरेज निकल रहा है देखिए 51.96, मतलब 52 का एवरेज दी मेरा गाड़ी अभी पर लीटर। इससे पहले मैंने माइलेज कुछ दिन पहले टेस्ट किया था तो मुझे माइलेज 62 बताया, अब पता नहीं इस बार कम कैसे हुआ, बट 52 भी बहुत अच्छा ही माइलेज है। 150 सीसी का बाइक में अगर 52 एवरेज मिल रहा है सुपर बाइक क्या ही बोलो अब, ये तो मिनी सुपर बाइक है मेरा, फिर भी इतना एवरेज मिल रहा है अभी हमको 150 सीसी में।
काफ़ी अच्छा एवरेज है आर फाइव वी थ्री का। तो आपको आर फाइव वी थ्री का माइलेज का पता चल ही गया, और एक वीडियो बनाऊंगा मैं इसका एवरेज का। तो चलिए, वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा कमेंट में, और आपकी आर फाइव वी थ्री अगर इससे ज़्यादा एवरेज दे रही है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि कितना एवरेज दे रही है आपकी बाइक। और आपको ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।